हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ अपने चैनल एयर व्लॉग्स पर, और आज एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तकरीबन 5 दिनों की ब्रेक हो चुकी है हमारी, क्योंकि पिछले वीकेंड पे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी और आज फिर जुमे का दिन है। जुमे का दिन आपको पता है छुट्टी होती है हमें, तो आज इसलिए एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज का टाइम होने लगा है, तो नमाज पढ़ने चलते हैं। और आज आपको बताता चलूं कि हमारी क्लोनी में है टूर्नामेंट। 5 दिनों का होता है हर साल, तकरीबन 2 साल तो पहले नहीं हुआ कोरोना वायरस की वजह से। तो आज ओपनिंग सेरेमनी है टूर्नामेंट की, जिसमें हमारी क्लोनी की टीम भी खेलती है और बहुत अच्छा शुगर लगा रहता है 5-6 दिन। अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और तकरीबन 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी क्लोनी के बॉयज़ का भी मैच होगा। तो आज के व्लॉग में बहुत शुगर लगने वाले हैं। यार, इस वीडियो को देखने से पहले अगर लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। अब चलते हैं घर और जाके जुमे की नमाज के लिए तैयार होते हैं। यार, फाइनली रेडी होके मैं आ चुका हूँ मस्जिद। अब पढ़ते हैं जुमे की नमाज और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुमा पढ़ के आ गए हैं वापसी और अब चलते हैं घर। वहाँ जाके खाना खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है और उम्मीद है आज बिरयानी बनी होगी। और तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद वैसे भी मैच स्टार्ट होने वाले हैं और वहाँ पे आपको पता है शुगल वगैरह लगने आज। अनाबिया, क्या हो गया आपको? यार, तकरीबन 1 घंटे से हम आए हुए थे ग्राउंड में, तो हमारी टीम का एक प्लेयर आ चुका है। जवाद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, शुक्र है। आप सुनाओ, तबीयत से ठीक है? फिट, आप सुनाओ? एंजॉय हो रहा है यहाँ पे टूर्नामेंट। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आप तो गायब ही हो गए हैं। बस जी, अभी मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद से लैंड हुआ हूँ और आगे आपने टूर्नामेंट। मलिक झूठ ना बोल, रात का आया हुआ तू। अच्छा जी, यहाँ पे टीम्स लाइन अप हो गई हैं, बस सेरेमनी होने लगी है, उसके बाद इंशाल्लाह मैच स्टार्ट होंगे। भाईजान, अभी आप क्या कह रहे थे जी? अभी आप क्या कह रहे थे? क्लोनी पांडा जीतेगी हारेगी? इंशाल्लाह, जो नसीब में होगा। सही बात है मलिक साहब, इतनी वीडियो ना बनाओ, मेमोरी फुल हो जाएगी। अभी तो क्लोनी पांडा का मैच भी है। 256 GB 1 TB लो, आजकल 1 TB का दौर चल रहा है। यार, ये कमेंटेटर को चुप करवा पहले। चलो यार, तो अभी मैच स्टार्ट होने से पहले तो हमें टीम के हालात पतले लग रहे हैं। एक हमने क्लोनी पांडा की प्लेयर को बुलाया। तला भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ। तला भाई, मुझे लग रहा है आज आपकी टीम ना बाहर होने वाली है पहले मैच में। अल्लाह खैर करेगा, तासुरात तो बड़े खराब है हमारे। ये देखिए, उम्मीद है ऐसे लोगों को भी खिलाते होते हैं क्रिकेट। यार, बड़ी बात है, उम्मीद है कि हम जीतेंगे। इन द स्टेम, यू नो, ये हमारा हार्ड हिटर है भाई। अगर ना जीते ना, अगर ना जीते ना, ये व्लॉग अपलोड नहीं होगा आज भाई। और आपको बात बताते चलेंगे, बाउंड्री के अंदर कमेंट्री बॉक्स बना हुआ था अभी, ये पीछे कह रहे हैं। अभी चल रहा है पहला मैच और इसमें बड़ा अच्छा मैच हो चुका है और 3 बॉलों पे 3 आउट कर दिए इन्होंने। और हमारे साथ अरबाज भाई भी मौजूद हैं और तैयब भाई भी आए हैं अभी अभी। तो यहाँ पे बड़ा हैवी मैच चल रहा है और पूरी टीम आउट हो गई है। तो यार, फर्स्ट मैच ख़त्म हो चुके हैं और फर्स्ट इनिंग्स वाले जीत गए और अब बारी है हमारे क्लोनी वाले बॉयज़ की। सो फाइनली मैच स्टार्ट हो चुका है और पहले बैटिंग कर रहा है क्लोनी पांडा। फर्स्ट बॉल मैच की, तला भाई कौन जीतेगा? हालात बड़े ख़राब हैं, जिससे दूसरी बॉल डॉट ही है ना, मुझे लग रहा आसान आएगा वापस। हमारे बेस्ट बैट्समैन गए हुए इस वक्त, सभी बाउंड्री से बाहर हो जाए। यार, हमारे बैट्समैन अभी ग्लव्स लेके गए हैं, आपको क्या लगता है छक्का पड़ेगा? आप उम्मीद तो है कि छक्का लग जाएगा। चलो देखते हैं। दो ग्लव्स पहने हैं अब? दो पहने हैं। हाँ, दो पहने हैं। मुझे लग रही है तैमूर मिर्जा वाला काम ना करते। देखो अब क्या करता है। बहुत खूबसूरत और बैलेंस बॉल करा रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, निकलेगा गेंद उसे।
ये हमारे व्लॉगर हैं पड़े आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम तो खा, हाँ आइसक्रीम खाओ। मेरी नहीं ली यार, 100 रुपए पड़े हुए थे, अब क्या करता, वो 20 भी पकाए। कितने की देके गया? 80 रुपए की देके गया भाई, पता नहीं। इत्तेफाक में हरकत है, आइसक्रीम ले ली यार इसने। हमारा पांडा जा रहे बैटिंग पे। ये भाई भी अच्छा खेलते हैं। ये पहला छक्का भाईजन कैच हो गया था, लेकिन नो बॉल। फ्री हिट है, फ्री हिट। अब देखते हैं छक्का मारते। ये हमारे तैयब भाई हैं, अभी मैच जीते हैं। इन्होंने 2 चौके छोड़े थे पिछले मैच में, 4 छक्के। बैटिंग ही नहीं है, 4 छक्के कैसे। भाई हमारा पांडा अच्छा खेल रहे हैं। एक और बैट्समैन आउट और अब जा रहे हैं सभी। देखते हैं सभी क्या करते हैं। दुखी सभी आउट है, सभी का छक्के है। ओ यार गुड शॉट, शाबाश सभी। ओ यार आला सभी साहब ऑन क्रीज। तो ये अब छक्का पड़ेगा, छक्का चक्कर देख ले। ओ भाई छक्का है। ओए यार गुड शॉट, कैच कैच। नहीं होगा, नहीं होगा, टेंशन ना ले, नहीं हुआ। आखिरी ओवर है और टारगेट तो बहुत कम दे रहे हैं, ये नजर में आ रहे हैं ऐसे। और मारते छक्का, छक्का हो गया भाई, छक्का हो गया। शाबाश अभी एक और छक्का। शाबाश अभी 8 ओवर में टारगेट कितनी कितनी है भाई? 87 का टारगेट है। बस अगर बॉलिंग अच्छी करें तो जीत सकते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं। हाथ नीचे कर यार, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद सेकंड इनिंग्स भी दिखाते हैं आपको। फाइनली खाने आ चुके हैं हम चिप्स। और ये भाई, हेलो भाई, मुझे भी दे दे तो दूसरा चिप्स का। तो भाई जन चौथा ओवर चल रहा है और 16-17-18 स्कोर हो चुके हैं इस बार। कलोनी पांडा की क्या यार बॉलिंग है यार, विकेट हो गई, गुड हो गया। तकरीबन हाफ ओवर ही रह गए और स्कोर बहुत ज्यादा चाहिए। इन्हें नाजुक हैं, बहुत छक्के पड़े हैं, छक्के ना बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। और अभी छक्का पड़े अरबाज, दो तैयब को मिला के ना ये एक बॉलर बनते हैं। एक विकेट में 2 आउट हो चुके हैं तकरीबन, और 29 स्कोर चाहिए अभी। तकरीबन 10 बॉले रह चुकी हैं और ये छक्का चेक करें आप। ओ नहीं पड़ा। और आपको बताते चले, 3 बॉलों में 3 आउट हो चुके हैं। यही है एक ओवर में 4 विकेट हैं। ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में, कौन जीतेगा? दूसरे जो खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं जो। कलोनी पांडा को जितवाओ यार। एक ओवर में कितना स्कोर रह गया भाई? 26 रह गए। ये हमारी टीम के कैप्टन है। भाई इस बंदे ने आज क्लोनी पांडा के 4 विकेट्स लिए हैं और बैटिंग में उतना ही काम खराब की है। बाकी यार गुड लक हसान भाई, अब उम्मीद है कि अगला मैच भी खेलेंगे आप इंशाल्लाह। तो हसान भाई आज आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की है यार, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगा कि बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम, अगली बैटिंग में रगड़ा निकाले।
बहुत अच्छा चला गया। हाँ सही बात है। और आप और चांस ही नहीं मिला यार। आप फील्डिंग के लिए रखा हुआ ना आपको यार। चलो ठीक है यार, गुड लक। ओके ओके। आज क्लूनी की टीम जीत गई है और इंशाल्लाह अगला मैच भी खेलेंगे और अच्छा ही खेलेंगे और जीतेंगे। और आपके भाई को वैसे भी क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, तो देखने का शौक है तो वो देखते हैं और आपको भी दिखाए। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।